पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने वाले यति नरसिंहा नंद के खिलाफ AIMIM अध्यक्ष बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातें की। ओवैसी ने कहा कि यति नरसिंहा नंद पर सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि अरेस्ट करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। साथ ही असुद्दीन ओवैसी ने अवाम से पूर्ण अमन रहने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की। इस मौके पर AIMIM MLAs व MLC भी मौजूद थे। सुनिए क्या कहा असुद्दीन ओवैसी ने। के एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाजियाबाद के टेंपल के प्रीस भी है, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और अपनॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की कसम की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बर्न करिए, उसमें और दूसरे चार पांच चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूं मैं यहाँ, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए, सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच ने सिविल नंबर 943 2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहा कि एनी हेजिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एरिंग ऑफिसर्स। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम CP से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करें। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की जबान इस शख्स ने इस्तेमाल की हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक ज़हनी और खलबी तकलीफ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरमन रहिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के एक दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, ना काबिले कबूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। BJP इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ
या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोजर भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है, जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउजुबिल्ला एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हजरत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए जरूरी है कि इन लोगों पर फौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा, और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और BNSS के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला आपको हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाएंगे, तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और कानून तो एक कानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, माने कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, माने बुलडोजर इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे। मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, जो भारत के ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी तकलीफ पहुंच रही है सब चीजें देखकर पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए, और खास तौर से ऐसे मामले में जहां पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर हो, ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया, हमारी एक सरकार ने उसका उस रिपोर्ट का कंडेम किया। मगर इसको कौन रोकेंगे आप? क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकवास बकता है तो आपको खुशी मिलती है क्या? आपको कोई इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? क्या हम भारत के नागरिक हैं तो कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? तो इसका हम सरासर कंडेम करते, और इस शख्स को, इनके साथी को, जो अभी उनका वीडियो चल रहा है कि जिसमें पूरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप ये बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एफिजी, अरे भाई इस्लाम में कोई फोटो होती नहीं, आइडियल वर्शिप नहीं होती है इस्लाम में। इस्लाम में हम किसी हमारे प्रॉफिट का हो, हमारे खुलफाए राशिदीन का हो, उनका हम फोटो नहीं बनाते, और आप बोल रहे हम उनका एफिजी जलाएंगे। और हम दुनिया को बता रहे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है कि वो सारी मैनकाइंड के लिए रहमत है, और आप इस तरह का काम कर रहे हैं।
एफिजी जलाएंगे, बकवास बकरा है शख्स, और इसलिए बकरा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, आरएसएस मेरे साथ है, तो इसलिए उनके उनको कोई उनको करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर हो रहा है, और देश को कमजोर करने की कोशिशें इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो हमारा डिमांड हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी है, यूपी के सीएम से भी है कि अगर आप बायस नहीं है, अगर आप लोग इस शख्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट है आपके आप बायस है नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की एक्टिव सपोर्ट से ये भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। वेयर इज द वायलेंस? नथिंग हैपेंड। नो, देयर नथिंग हैपेंड। देयर वाज अ प्रोटेस्ट, इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, एंड टू डू अ पीसफुल प्रोटेस्ट, इट इज माय राइट, एंड व्हाट द पीपल हैव डन, वी कमेंड देम फॉर द प्रोटेस्टेड। यू हैव नॉट अरेस्टेड दिस फेलो who has made this, who has used such derogatory language, and this is a violation of all the sections of BNSS, whether it is 299, 196, 351, 352, 353, subsection 1, BC, 353, subsection 2, 353, subsection 3, clear gross violation of all these sections. And please remember, Supreme Court order is there. UP police, by not taking action, they are in the contempt of Supreme Court order. The UP government, by not taking action, arresting this fellow, is doing a contempt against Supreme Court order. Why is the BJP quiet on this? Why is the Prime Minister quiet on this? The Prime Minister is concerned about what is happening in Bangladesh. Why is my Prime Minister not concerned about what is happening to the Muslim minority of this country? The Prime Minister must ensure that this fellow is arrested immediately. It is high time that the BJP discharge its constitutional duty and get this man arrested and send him behind bars, because he's not a first-time offender. He has done it again. He will do it again. The way to stop these people from using such derogatory language against any person is to let the full force of law be implemented on them. अरे इसको अरेस्ट करिए, शांति बहाल होती, शांति और मजबूत होती, शांति तो है। आप बताइए कि दशहरा में रावण का पुतला जलाते, ये कहां से बात आ रही है? हम तो हमारे जो मुसलमानों में जो लोग इंतकाल कर जाता उनको हम दफनाते हैं, जलाते नहीं हम लोग, ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी है। और आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था पढ़ लो आप, जिसके बारे में बड़े बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल ने क्या कहा था पढ़ लो आप उनके बारे में, जो रहमतुल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, आप उनके बारे में इस तरह का अनाप शनाप बक रहे हैं। ये क्यों बक रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या गाजियाबाद दासना हो? इसलिए कि बीजेपी और सरकार उनके साथ है। अगर कल कोई बोलेगा कि हैदराबाद में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला जलाऊंगा या दिल्ली में जलाऊंगा तो पुलिस कितनी भर देती, आप रोक देते, आप केस बुक कर लेते आप। यहां पर तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, कैसा ऐसा करेंगे? ये तो सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हो रहा है, इससे भारत का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।